बस्ती जिले के हरदिया इलाके में पुलिस व बदमाश के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बीती रात पुलिस द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक एसआई के हाथ में गोली भी लग गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों पहले ही बस्ती जिले के चैनपुरवा ओवर ब्रिज के पास हुई लूट में भी ये बदमाश बताया जा रहा है और इसके एक अन्य साथी की तलाश भी अभी जारी है, जिसकी तलाश में अब पुलिस जोर शोर से जुटी हुई है। बाईस तेईस की रात्रि में थाना कोतवाली जनपद बस्ती क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान एक अभियुक्त के साथ में थाना कोतवाली पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिससे उसके पैर में गोली लगी और इसमें हमारे एक एसआई के हाथ में गोली लगी। इन दोनों का इलाज यहाँ सदर अस्पताल में चल रहा है, जहाँ दोनों खतरे से बाहर हैं। प्रारंभिक पूछताछ में अपराधी ने अपना नाम अभय निषाद बताया और उसने बताया कि करीब एक हफ्ते पहले जो चैनपुरवा पुरानी बस्ती थाना अंतर्गत एक लूट हुई थी, जिसमें वादी के पैर में गोली मार दी गई थी और उसका लैपटॉप बैग छीन लिया गया था, वो घटना इसने अपने साथी के साथ में की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।